सत्ता पर काबिज हो चुके शिंदे किसी तरह से कोई सीधा टकराव अब ठाकरे परिवार से नहीं चाहते। शिंदे गुट ने विधान परिषद का आदेश न मानने के लिए उद्धव खेमे के 14 विधायकों को दिया नोटिस। रत्नागिरी में लैंडस्लाइड रेस्क्यू से जुटा एनडीआरएफ, कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का स्तर बढ़ा। उद्धव से छीनी गई सत्ता, शिवसेना के नाथ कैसे बन गए एकनाथ? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता छीनने के बाद एक नजर में ही अब शिवसेना पर अपना वर्चस्व जमाने की बात। मानसून की बरसात से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हुआ बुरा हाल, बारिश से सड़कें डूबी, सायन सानपाड़ा सबवे का बुरा हाल, भारी बारिश का अलर्ट जारी। काली पोस्टर को लेकर विवादों में आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अब मुसीबतों के बीच फिरती नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया FIR। देश भर में पिछले घंटे में कोरोना वायरस के 186 नए मामले, तो वहीं 19 लोगों की हुई मौत। आसाम में बाढ़ से हाहाकार, 22 जिलों के 13,71,000 लोग हुए प्रभावित, तो वहीं 180 ने गवाई जान। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो पर बड़ा एक्शन, देश भर में एक साथ उसके 44 ठिकानों पर पड़ा ईडी का छापा। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति को आरक्षित, तो वहीं किसका कब्जा और कैसे मिलेगा आदिवासियों को वोट, इस पर रहेगी सबकी निगाहें। देश भर में पिछले घंटे में कोरोना वायरस के 186 नए मामले, तो वहीं 19 लोगों की हुई मौत।